कपल की स्टोरी है, दिल्ली में सेटअप पूरी फिल्म और जो हम अभी गाना शूट कर रहे हैं वो एक पैचवर्क है, फिल्म का लास्ट शेड्यूल है, अभी 3-4 दिन में फिल्म पूरी रैप हो जाएगी, जनवरी से शूटिंग शुरू था फिल्म का। और जो फिल्म की प्राइमरी कास्ट है वो पास आउट फ्रॉम विस्लिंग वुड एक्टिंग कोर्स, फ्रेश फेसेज है, नए फेसेज है, तो हमें ऐसा लगा था कि जो एज ग्रुप फिल्म में ज़रूरी था 19-20 ईयर ओल्ड एज ग्रुप, तो उसके लिए फ्रेश फेस ज़्यादा वर्क होगा बिकॉज पैकेज नहीं होता है, और जो स्टोरी है हमारी उसके लिए हमें एक नया चेहरा बहुत ज़रूरी था। तो द फिल्म के बेसिक मैं आपको वन लाइन में बताता हूँ कि द फिल्म इज़ अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल जो कॉलेज में है, एंड इट इज़ देयर स्टोरी। लड़का एक टिपिकल फेसबुक मैसेंजर, अपने व्हाट्सएप में फंसा हुआ, जो टिपिकल अपनी नॉर्मल यूथ होती है वैसे एक लड़का है, एंड उसके लाइफ में ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू फॉरेन थिंग्स, ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू हाई लाइफ एंड एक्साइटिंग लाइफ। तो एक स्टीरियोटिपिकल यूथ, एक स्टीरियोटिपिकल लड़का जिसको MBA करने के लिए बाहर जाना है, जिसको ज़्यादा इंडिया अपने देश से कनेक्ट नहीं है, और जो लड़की है वो कंप्लीट ऑपोजिट। तो जो स्टूडेंट यूनियंस है, स्टूडेंट ग्रुप्स है, पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप्स है, वैसे ही उस जोन में आने वाली लड़की है, जो JNU जो कॉलेज में बहुत एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाली है और प्रोटेस्ट में बिलीव करने वाली है, अपने देश में अगर कुछ बदलना है तो इधर रुक के रह के सिस्टम के अंदर से बदलना पड़ेगा, ये उसकी थॉट है। तो जब भी ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं तो हाउ देयर लाइफ चेंज एंड हाउ दे गेट अट्रैक्टेड एंड हाउ द बॉयज़ लाइफ चेंजेस इन दैट पर्सपेक्टिव एंड हाउ ही अंडरस्टैंड्स की व्हाट पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म इज। तो हमने कमेंट नहीं किया बट हमें एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना था सामने कि आज की यूथ क्या है और उनको क्या चाहिए और वो किस हिसाब से अपनी देश की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ और अपने बाकी के लोगों की तरफ देखते हैं। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अस एज यंग फिल्म मेकर्स, और मुझे बहुत ज़रूरी ये लगा कि इसको म्यूजिकली बताया जाए, इस फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से है, तो इसका म्यूजिक बहुत वेस्टर्न म्यूजिक है, इसका म्यूजिक एकदम TV के म्यूजिक से इन्फ्लुएंस है और लड़के का म्यूजिक बहुत फोक म्यूजिक है। तो ऐसे दो अलग स्कूल से आने वाले जो भी लोग भिड़ते हैं और एक साथ आते हैं तो उनमें कैसे स्पार्क्स फ्लाई होंगे, उनमें कैसे उनकी केमिस्ट्री क्या होगी, ये फिल्म का एक स्टोरी लाइन है। आपका एक्टर बनना या फिर इत्तेफाक से बन गया? इत्तेफाक नहीं था, सपना ही था। तो डैड घर वाले कुछ बोले कि एक्टर कहाँ एक्टिंग में? आपका कुछ फिल्मी बैकग्राउंड पहले से है? कुछ फिल्मी बैकग्राउंड है आपका पहले से? मतलब स्कूल के बाद सीधा एक्टिंग कोर्स किया है। थोड़ी सी मनमानी रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितनी मनमानी करते हैं? पूरा ऑनेस्टली तो बता नहीं सकता सर, मेरा थोड़ा सा मनमानी वाला हूँ। कितना सेट पे आपने कितनी मनमानी की आपने? ज़्यादा करने को मिलती नहीं, काम बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल भैया, ऊपर से फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो मेरा नर्वसनेस भी है, तो ध्यान इसी में रहता है कि काम अच्छे से, धीरे धीरे शायद थोड़ी बहुत मनमानी।